हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वीक आप सबके लिए कैसा रहेगा। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से और एंड हो रहा है 28 अगस्त पे। सो 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 यानी 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, उसमें क्या सब कुछ हो सकता है वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। ये जो वीडियो है वो होगा फायर साइन और एयर साइन के लिए यानी एरीज लियो सेजिटेरियस और जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियंस के लिए, मतलब हुआ मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए। तो ये 6 साइन है एयर और फायर साइन के, इनके लिए देखते हैं 22 से 28 अगस्त कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की यानी मेष राशि की। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि 22 से 28 अगस्त 2022। मेष राशि के लिए कैसी रहेगी, क्या सब हो रहा है उनकी ओवरऑल एनर्जीज में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। व्हाट अबाउट लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स में क्या सब होगा इस वीक में 22 से 28 अगस्त मेष राशि रिलेशनशिप। ओके, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। वी हैव पेज ऑफ कप्स। व्हाट अबाउट करियर, बिजनेस एंड फाइनेंस। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आई हैव टू क्लैरिफाई द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ओके एंड बॉटम एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो मेष राशि, एक मास्टर कार्ड और ले लेते हैं आपका, तो थोड़ा सा आइडिया और हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए वन मास्टर कार्ड फॉर मेष राशि 22 से 28 अगस्त 2022। ऑल राइट, वी हैव फॉक इन द रोड। राइट, आपकी सिचुएशन भी शायद थोड़ी सी ऐसी है कि अच्छा भी है और थोड़ा सा गड़बड़ भी है। खैर, सो ये है आपकी बॉटम मास्टर एनर्जी फॉक इन द रोड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी। अगर आप ओवरऑल एनर्जीज के बारे में मुझसे पूछेंगे कि इस वीक में क्या सब हो सकता है, तो इस वीक में थोड़ा सा बर्डन आपको फील हो सकता है। किस चीज का बर्डन हो सकता है मेष राशि, तो इमोशंस का बर्डन। ठीक है, इमोशंस, अब आपके इमोशंस आपके किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपके इमोशन हो सकते हैं, फैमिली से अटैचमेंट्स के इमोशंस हो सकते हैं, किसी जॉब को पाने के इमोशन, इमोशनल लेवल पे एक बर्डन फील करोगे। क्यों करोगे, रीजन इज कि या तो दो दो चॉइसेस हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन से इमोशन को पहले फुलफिल करना है। दूसरी चीज कि हर व्यक्ति को आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते। एक जॉब में हो तो आपको लगता है वहां पे भी आप सिक्योर हो, सही हो, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उस सिक्योरिटी में कंप्लीट नहीं हो रही, पर वहाँ कंफर्ट लेवल अच्छा है। तो एक एक ड्यूअल माइंडसेट आपका इस वीक में रह सकता है हर चीज के अंदर, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आ रही है। प्लस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा बिजी भी रहेगा ये वीक आपके लिए, कि बहुत बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी, और इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है कि आप चीजों को किस तरीके से हैंडल करोगे वो आपके अपने करेज, आपके अपने इनर इंटरनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी आपको इस वीक में, डिसीजन लेने में स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी आपको, अपने इमोशंस को फुलफिल करने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी आपको, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए जो कि आपकी तरफ आ रही हैं इस वीक में, और वो एक नहीं बल्कि बहुत सारी हैं। ठीक है, एटलीस्ट दो तो है ही, हर दो राय पे आप दो राय पे खड़े हो, दो चीजें हैं ऑप्शंस में, क्योंकि फॉक इन द रोड आपका जो है वो डेफिनेटली कोई कहना चाहिए कि एक मास्टर कार्ड है आपके लिए, तो ड्यूअल चॉइसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम एनर्जी की यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी सिचुएशंस ऐसी नहीं है, या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या कोई पास्ट हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है आपकी, जिसकी वजह से आप उसे रेजिस्ट कर रहे हो। तो चॉइसेस तो एक ही है, चॉइसेस नहीं है बहुत सारी, बट माइंडसेट
उस चॉइस को नहीं चूज कर रहा, माइंडसेट कुछ और जा रहा है, तो वो भी एक चीज हो सकती है। अगर लव और रिलेशनशिप की बात करें, आप किसी के मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, तो यस, आपको ये मैसेज कॉल आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, मैरिज में हो, तो यस, आपके पार्टनर आपको कोई ऑफर दे सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं दिख रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिख रही, ये एक ईजी गोइंग एनर्जी दिख रही है कि हाँ इमोशंस हैं और वो शेयर हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। इट इज़ लाइक पेज एनर्जी, कोई मेच्योर सा पर्सन है, कोई जैसे टीनेज एज का कोई पर्सन है एंड वो अपने इमोशन शेयर कर रहा है ऊपरी लेवल पे। अगर आप लोग बड़े हैं एज में, तो ये प्यार का एक छोटा सा तोहफा हो सकता है, प्यार एक छोटा सा इमोशन हो सकता है इस वीक में जो आपको मिल जाए, या शायद आप दे रहे हो किसी को सेम इमोशन, ठीक है। और करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में आपके पास चॉइसेस आ रही हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स। यस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिनका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। आप अगर कोई चॉइस का, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिजल्ट वगैरह का वेट कर रहे हो, तो वो इस वीक में आपको मिल जाएंगे मेष राशि, ठीक है। 13 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 11 या 2 नंबर, 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एंड आप में से काफी लोग जो हैं वो किसी कैंसर, स्कॉर्पियन और पाइशियंस को डील कर रहे हैं। हालांकि मुझे एरीज और लियो के वाइब्स भी यहाँ आ रहे हैं। लियो या मेडिकल फील्ड में कहीं आपका लेना देना हो सकता है कुछ। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू मेष राशि, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए अगला सप्ताह कैसा रहेगा। 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 का समय सिंह राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। सिंह राशि की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी 22 से 28 अगस्त 2022 के लिए। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। करियर, बिजनेस, फाइनेंस सिंह राशि का कैसा रहेगा। ओके, वी हैव द एम्परर, लव एंड रिलेशनशिप सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए व्हाई दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। Two of Swords, Nine of Cups, and Career, Business, Finance, Emperor क्यों है? Three of Pentacles, All right, and Bottom Energy है Two of Wands की। एक Master Card निकाल लेते हैं आपके लिए सिंह राशि। Master Card for सिंह राशि 22 से 28 अगस्त 2022। मास्टर कार्ड फॉर सिंह राशि 22 से 28 अगस्त 2022। ट्रेजर आइलैंड, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑलराइट, ओके, सो सिंह राशि, अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन चल रहा था माइंड में, ठीक है, कि क्या होने वाला है, अब क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ एम है, कुछ गोल है, तो उसको पाने के लिए क्या सब करना पड़ेगा, उन सब के आंसर्स, उन सब की प्लानिंग इस वीक में आप करने वाले हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स तक की एनर्जी आ रही है। जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स तो क्या है कि अभी रास्ता देखना स्टार्ट किया है, ये आपका पहला लास्ट वीक में आप ऐसे कर रहे हो सकते हैं, लेकिन इस वीक में अब आप फोकस हो जाएंगे कि अब ये चाहिए, और वेट करोगे कि उस तरह की सिचुएशन बने कि अब इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो अभी तक तो सिर्फ प्लान था, कागजों में था, बट अब आप उसके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हो जाओगे शायद, बिकॉज यहाँ पे जो डर थे आप उनको मिटाते हुए और उन डरों पे काम करते हुए दिख रहे हो कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, कौन सी चॉइस को चूज किया जाए। और यहाँ पे भी मून है सी, और यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ भी मून है, तो पहले आप डर रहे थे किसी चीज के लिए, बट अब फाइनली जो है आप उस पर वर्क करोगे, अपने
अपने डर पे काम करोगे, दो चॉइसेस हैं तो उनमें से अपनी प्रायोरिटी पे काम करोगे और एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। जो लोग टैरो देखते रहते हैं डेफिनेटली उनको पता होगा कि नाइन ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, और यहाँ पे ये विश फुलफिलमेंट को ही बता रहा है बिकॉज यहाँ ट्रेजर आइलैंड भी है। सो, कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ आप जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ ना कुछ आपके विश के अकॉर्डिंग होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, इस वीक में हो जाएगा। ये भी नाइन है और ये भी नाइन है, सो नाइन नंबर में भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27 अगस्त भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, सिंह राशि। एंड 27, 7 + 2 इज इक्वल टू 9, सो 27 अगस्त आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है इस वीक की, और उस दिन वो दिन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। चैनल मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा, सबके लिए नहीं, बट उस दिन कुछ ऐसा आपको अचीव हो सकता है जिसकी आप कब से विश कर रहे थे, जिसको आप चाहते थे अपने लिए। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे कह रहा है कि पैशनेट रहोगे रिलेशनशिप को लेकर के, एक अट्रैक्शन रहेगा आपका आपके लव वंस के लिए, और आप उन्हें शो भी करोगे, या हो सकता है वही जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो उन्हीं की तरफ से आपको एक ऑफर मिल जाए। लेकिन एक पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप में एक जो है पॉजिटिव वाइब्स मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, मतलब आप टस से मस नहीं होगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर स्मूथ रिलेशनशिप में हो तो वो स्मूथ ही चलेगा इस वीक। अगर कोई इश्यूज थे तो उनको क्लियर करने के लिए आपको क्या काम करने चाहिए वो चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आपके पर्सन भी सेम क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आ जाए, बातचीत हो जाए, कुछ इस तरह की पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है जो आप चाहते हो। ठीक है, इट्स योर विश, तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। करियर बिजनेस फाइनेंस में भी बड़े प्यारे कार्ड आ रहे हैं, द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रहा है जैसे या तो आपके बॉस या आपके सीनियर आपकी मदद कर सकते हैं, आपको कोई न्यू जॉब का ऑफर मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको एक हाई लेवल की पोस्ट ऑफर की जा सकती है, और नहीं तो आप खुद का बिजनेस, पार्टनरशिप में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इस वीक में, बिकॉज यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है प्लानिंग। तो कुछ तो आप अचीव कर रहे हो अपने करियर में भी, ठीक है। तो कुछ लोग की विश पूरी हो रही है, वो कंप्लीशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए करियर में अच्छा हो रहा है। ओवरऑल अगर इस वीक को देखूं सिंह राशि आपके लिए, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीक ये रहने वाला है। 22 अगस्त से 27 अगस्त के बीच का समय आप मैनिफेस्ट कीजिए चीजों को और पॉजिटिव रहिए, बिकॉज हो सकता है ऊपर सुपरफिशियली आप उन चीजों को अभी नहीं देख पा रहे हैं, और आपको जब ये रीडिंग मिले तब आप कहें कि कुछ भी अच्छा नहीं है लाइफ में, अब क्या ही अच्छा होगा, बिकॉज आप देखोगे कि ये ट्रेजर आइसलैंड है, यानी ये समुद्र के एकदम डेप्थ में आपको कहीं मिलेगा, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेगा। ये वो चीज नहीं है कि हाँ आपको 10 ऑफ कप्स की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं आपसे मेहनत कराई जा रही है, कहीं ना कहीं आप मेहनत उस पर ऑलरेडी कर रहे हो चीज पे, और सडनली वो आपको कहीं डेप्थ में जा करके वो चीज मिल जाएगी और आप देखोगे अरे इतना सब कुछ, तो वो वाली चीज मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक सरप्राइज आपको मिल सकता है। ऑल राइट, 3 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है आपके लिए। इसके अलावा 11 नंबर और 4 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आप जिन पर्सन से डील कर रहे हैं वो जो है वो डेफिनेटली कोई कैंसर स्कॉर्पियन पाइशन हो सकते हैं, एरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है वो खुद भी एक लियो हो, ठीक है, या सेजिटेरियस हो। यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दोनों की वाइब्स भी है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू सिंह राशि, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेजिटेरियंस यानी धनु राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। अगला सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? 22 अगस्त से 27 अगस्त सॉरी 28 अगस्त 2022, 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 धनु राशि के लिए क्या सब लेके आ रही है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि।
We have Ace of Swords. What about love life? Nine of Pentacles. What about career, business, finance? Three of Pentacles. Dhanu Rashi. Why this Ace of Swords here? Okay. Why this Nine of Pentacles here? Wheel of Fortune. Why this Three of Pentacles here? Ace of Wands. All right. And bottom energy है Four of Pentacles की. एक master card भी लेते हैं आपके लिए. 22 से 28 अगस्त 2022 धनु राशि मास्टर कार्ड. यिन. ऑल राइट. यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल, चैरियट एंड द वर्ल्ड. धनुराशि कुछ बदल रहा है लाइफ में, ठीक है. एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. पहली चीज तो इस वीक से अगर कुछ चीजें बैलेंस नहीं थी तो मे बी आप किसी एक चॉइस को चूज कर रहे हो, मे बी आप उसको बैलेंस कर रहे हो, तो कुछ चीजें आपसे अपने आप छूट रही हैं, ठीक है. बट कुछ बदल रहा है आपकी जिंदगी में, कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में चलते आ रहे हैं, लेकिन अब एक सिग्निफिकेंटली चेंज आप अपनी एनर्जी में भी महसूस करोगे इस वीक में. ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी, जैसा कि मैं बोल भी रही हूँ कि आप अपने अंदर भी कुछ बदलाव महसूस करोगे. अभी तक तो सिचुएशंस बदल रही थी, आप उनसे कॉप अप कर रहे थे, बट अब आप अपने आप को बदलोगे. अब आपकी सोच बदल रही है, अब आपकी समझ बदल रही है. कुछ चीजें जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी अब साफ हो रही हैं. चाहे वो सामने वाला कोई आपको आके समझा रहा है, चाहे वो किसी सिचुएशन, किसी पास्ट मोमेंट ने आपको सिखाया है किसी भी तरीके से, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जजमेंट लेवल, आपका एक माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है. और विद दिस एम्परर मुझे लग रहा है जैसे एक ईगो, ईगो जो है आपका वो सेल्फ वर्थ की तरफ जा रहा है. जैसे अभी तक आप अपने लिए करते थे, लेकिन वहां पे वो ईगो था, वहां कुछ नेगेटिविटी आ जाती थी, सेल्फिशनेस आ जाती थी, लेकिन अब आप अपने लिए करोगे और सेल्फ वर्थ के लिए करोगे कि ये मैं हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं और ये मेरी कैपेबिलिटीज है, मेरी एबिलिटीज है, अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना. तो आप में एक होता है ना कि एक लीडर वाली क्वालिटी जो है वो क्रिएट होने वाली है, उस तरह का कुछ आपको क्लैरिटी मिल रही है. या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फादर का कार्ड है, तो अपने फादर को लेकर के आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है, या अपने बॉस को लेकर के कोई क्लैरिटी मिल रही है, कोई भी एक फादर फिगर जैसी एनर्जी में आपकी लाइफ में जो भी व्यक्ति है उनको लेकर के कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको. कि मैं नहीं बोलूंगी कि उनके बारे में, लेकिन हाँ जो भी आपकी सोच थी उनको लेकर के वो चेंज हो रही है. लव लाइफ में नाइन ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की बात, ये नाइन और ये टेन. देखो लव लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप पूछोगे क्या रिकंसिलेशन हो जाएगा, तो मैं कहूंगी डिवाइन टाइमिंग पे होगा. अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो मत करो इस वीक में. इस वीक में अपने ऊपर फोकस करो, ये वीक अपने ऊपर फोकस करने का है. तो इंडिपेंडेंसी दिख रही है, अकेले दिख रहे हो लव कार्ड में, और खुश दिख रहे हो. सबसे बड़ी चीज है खुशी. सो वो है, वो सेटिस्फेक्शन आपके पास है कि मैं, और वही शायद यहाँ पे भी आपको कह रहा है ओवरऑल एनर्जी में कि आप अपना सेल्फ वर्थ समझे हो इस वीक में, या समझोगे इस वीक में. सो लव लाइफ में अगर मैरिड हो ठीक है, तो भी अगर कमिटेड हो तो भी थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बीतेगा. बहुत ज्यादा लवी डवी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, ठीक है. और सेपरेशन में हो तब तो डेफिनेटली रीयूनियन के चांसेस, आपसे इतना ही मैं कहूंगी कि वेट मत करो किसी का. अगर कोई आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग इस वीक में है आपका, तो वो आ जाएगा अपने आप. उसको एक्सेप्ट कर लेना अगर आपकी समझ कहती है तो, और नहीं तो खुद से चेज मत करो चीजों को. बिकॉज यिन का कार्ड है आपका मास्टर कार्ड, जो कि मुझे कह रहा है कि ये रिसिप्टिव वाली एनर्जी है. अभी रिसीव करो कि यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है. अगर यूनिवर्स आपसे को कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो चीज आपके लिए नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए. सो यूनिवर्स आपको जो दे रहा है उसे रिसीव करो. और वो कुछ दे रहा है, यिन का कार्ड आने का मतलब है लोग आपको कुछ दे रहे हैं, और वो जो लोग दे रहे हैं वो मीडियम है, बेसिकली वो यूनिवर्स आपको दे रहा है. यू आर इन यिन एनर्जी. यिन का कार्ड है रिसीविंग का, हाथ बढ़ाओ और लो.
सो यहाँ क्लैरिटी लो, यहाँ अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस लो, और यहाँ तो एक न्यू ऑफर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप का ऑफर हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, कोई नया फाइनेंशियल ऑफर हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है आपकी इस वीक में, या फिर नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपने कोई इंटरव्यू दिया था उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई एग्जाम दिया था वहां आपका सिलेक्शन पक्का है, कुछ न्यू बिगनिंग आपके करियर बिजनेस फाइनेंसिस में हो रही है डेफिनेटली। विथ दिस फोर ऑफ पेंटिकल, जो पैसे आपने बचाए हैं या सेविंग मोड पर जो चल रहे हो उसमें, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अपने इमोशंस जो अभी नहीं दिखा रहे हो लोगों को, और हो सकता है आप लोगों को इमोशंस शो नहीं कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो उनके सामने, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपकी लाइफ को प्रोग्रेस दे रहा है। आपका कुछ साइकिल वाइकिल एंड हो रहा है, एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ आ रहे हो, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में इस वीक आप फेस करोगे, और वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए हैं, उस चेंज से आपको भागना नहीं है, वो चेंजेस आपको कुछ देके ही जाएंगे। विद दिस ये एनर्जी रिसीव करो चीजों को, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है आपको आप खुद मिल जाए, ठीक है। बिकॉज कभी कभी हम खो देते हैं खुद को ना, तो पॉजिटिव एनर्जी है मेरे अकॉर्डिंग। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ये थी रीडिंग्स फायर साइन की, और अब हम बढ़ेंगे एयर साइन पे, देखते हैं कि एयर साइन के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 22 से 28, पता नहीं मैं बार बार 27 ही क्यों बोलने लगी हूँ, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच का समय। तो 22 से 28 अगस्त 2022 मिथुन राशि के लिए कैसी रहेगी, लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि 22 से 28 अगस्त 2022। मिथुन राशि ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, हमारे पास कार्ड अपने आप आ गया, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सोर्ड्स, लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लवर्स, वाओ, करियर बिजनेस फाइनेंस, एस ऑफ कप्स, क्या बात है, Why this lovers here? Knight of Pentacle. Why this Ace of Cups here? Ace of Wands. क्या बात है? Beautiful energy मिथुन राशि. Why this Wheel of Fortune? Wow, Knight of Cups and the Hierophant. कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक मास्टर कार्ड और निकाल लेते हैं आपके लिए. जो लोग टैरो देखते रहते हैं उन्हें तो आइडिया हो ही गया होगा अभी तक। मिथुन राशि के लिए मास्टर कार्ड बताइए स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि 22 से 28 अगस्त 2022। ऑलराइट, वी हैव बाय द बुक नंबर 11, बिल्कुल। ऑलराइट, पॉजिटिव एनर्जी स्टार्टिंग से बात करती हूं। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो यहां पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं मिथुन राशि। ये वीक आपके लिए बहुत डेस्टाइन रहेगा, और आपने जो गुड कर्मा किए हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बेसिकली लक को बताता है, तो आपने जो भी अच्छे कर्मा किए हैं कभी लाइफ में, उनका जो आपको रिटर्न है वो इस वीक में मिलेगा। ये रिटर्न आपकी मैरिज के रूप में मिल सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज में कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये रिटर्न आपको किसी से गाइडेंस के रूप में मिल सकता है, कि आपको फाइनली कोई गुरु मिले अपनी लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन से आप मिलो जिसकी बातें आपको हील करें अंदर तक, आपकी सोल को हील करे, या जिससे जुड़ कर के आपको जो है इंटरनली अच्छा फील हो, ये कोई गाइडेंस हो सकता है आपके लिए, ये कोई ऑफर हो सकता है आपके लिए। अगेन, एक मैरिज प्रपोजल, एक जॉब का ऑफर, एक नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में, लेकिन ये कोई ऑफर है जो कि आपको लकी बना देगा इस वीक में, जिससे आप अपने आप को लकी मानने लग जाओगे। सो कुछ लक, कुछ चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और डेफिनेटली ये
ऐसी ऐसा चेंज है जिसकी रिक्वायरमेंट थी आपकी लाइफ में, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये भी हमारे पास आपके साथ यहीं आया है ओवरऑल एनर्जी में, मैंने निकाला था, ये अपने आप गिर गया था कार्ड। सो किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे कह रहा है कि ये जो विजडम आपको मिल रही है, ये जो लक आपको मिल रहा है, ये जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, ये आपको कोई डिसीशन लेने के लिए हेल्प करेंगी। अगर आप कोई डिसीशन लेना चाह रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो मिथुन राशि अब आप डिसीशन ले पाओगे, क्योंकि आपकी तरफ लक आएगा। या ऐसे कह सकती हूँ मैं कि आप जो भी डिसीशन लोगे वो आपके फेवर में जाएगा, तो अपने आप ही आप लकी आपको लगोगे। लव लाइफ में लवर्स की एनर्जी, इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली एक रोमांटिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे उनके पास कोई चॉइसेस आ रही है प्यार में, ठीक है। उनको वो पहले किसी के साथ थे, लेकिन अब उनकी तरफ कोई नया ऑफर आ रहा है, जिससे वो थोड़े से दो दो चॉइसेस हो रही है उनके पास, कि जैसे किसी से प्यार करते थे, शादी का ऑफर भी आ गया, तो अब वो कि किसको चूज करें, कुछ चॉइसेस आ रही है आपके पास प्यार में। लेकिन दोनों चॉइसेस आपको लव और अफेक्शन और इमोशन से शो कर रही हैं, तो आप बहुत खुश हो, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है, इस इमोशन की, इस लव की, इस अफेक्शन की आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो ये इस वीक में होगा आपके लिए, ठीक है। और जेमिनाई की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी जेमिनाई पर्सन को डील कर रहे हो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन को डील कर रहे हो। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, सी टू टू एसेस ऑन द टेबल। सो न्यू बिगनिंग, इमोशन सेटिस्फेक्शन एंड यस, कुछ नई नई जॉब का ऑफर आ सकता है, पुरानी जॉब में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई आइडिया आ सकता है, न्यू आइडिया आ सकता है, पार्टनरशिप में जा सकते हो किसी के साथ, किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग। और न्यू बिगनिंग को न्यू बिगनिंग ही आपके क्लैरिफाई कर रही है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, कोई कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। सो आपके कंफ्यूजन खत्म होंगे, आपकी चॉइस बनेगी, आपके टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में जो चल रहे थे वो खत्म होंगे फाइनली, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएंगी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। आपका मास्टर कार्ड है बाय द बुक, एक एडवाइस जो कि ये कार्ड हमें देता है। बेसिकली बाय द बुक क्या है? बाय द बुक है कि यूनिवर्सल लॉ, बाय द बुक है कि जो चीजें जैसी होती आई हैं वैसे करना, ठीक है। एक परंपरा ना, बाय द बुक है कि एक फैमिली के कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। दो चीजें ये कार्ड मुझे यहाँ पे दे रहा है। देखो ये 11 नंबर की एनर्जी है जो कि काफी स्टेबल है, और आप यहाँ 1-1 देखोगे तो दैट इज ऑल्सो 11। सो कुछ लोगों के लिए मिथुन राशि ऐसा हो सकता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपकी फैमिली में आज तक कभी किसी को नहीं मिली, कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जैसा जो आपको मिलने वाला है इस वीक में। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी आपको विजडम मिल रही है ना, कि कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जो कि आपको इम्पोर्टेंस बता रहा है, तो मे बी वो इम्पोर्टेंस बता रहा है आपको आपकी फैमिली की, वो इम्पोर्टेंस बता रहा है कि रूल्स तोड़ने के लिए नहीं बने होते, वो इम्पोर्टेंस बता रहा है कि आप घर के बड़े हो तो आपको वो चीजें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। तो कुछ फैमिली, फैमिली की रिचुअल्स, फैमिली की यूनिवर्सल लॉज, फैमिली से रिलेटेड कुछ, कम्युनिटी से रिलेटेड लॉज, इन सब चीजों को मानना, इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस को जानना, ये वो वीक है। आप भी उन रूल्स को फॉलो करोगे या आपको करना चाहिए, और या फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपके पास वो चीजें आएंगी जो कि आपकी फैमिली में नहीं हुई। पॉजिटिव ही है ये, ऐसा नहीं है कि आप रूल्स तोड़ना सीख रहे हो, नहीं ये नहीं है इस कार्ड का मतलब, बिकॉज यहाँ काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप रूल्स तोड़ना नहीं सीख रहे हो, लेकिन आप चीजों को आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है आपके आपके दिमाग में, ठीक है। और यस, सोशल रूल्स को भी ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है ऐसी कोई चीज में फंस जाओ जहां आपको सोशल रूल्स को तोड़ना पड़े। तो बेसिकली यूनिवर्स और डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि भाई कर्मा का ध्यान रखना, किसी का हर्ट, किसी को हर्ट मत करना, क्योंकि जो नेचर ने लॉज बनाए हैं वो किसी रीजन से बनाए हैं, ठीक है। यस, तो उनको परफेक्टली निभाओगे तो खोगे नहीं, और अगर वहां कहीं खो जाओगे कि अपनी चलानी है, अपने हिसाब से चीजें करनी है, बाहर में गए लॉ, तो अभी तो अच्छा समय है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट आपके कर्मा गलत हो जाएंगे, तो अपने कर्मा को
सही रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। प्लस कुछ लोगों को तो मैंने पहले भी बोल दिया था, आपके कर्मा का, जो कर्माज आपने किए हैं, जो लॉज आपने फुलफिल किए हैं, जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की है, फाइनली उनका रिटर्न आपको मिलेगा इस वीक में। ऑलराइट, सो बहुत ही पॉजिटिव सा वीक है मिथुन राशि। होपफुली कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिब्रंस के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। बाईस से 28 अगस्त 2022 तुला राशि के लिए कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए। 22 से 28 अगस्त 2022 तुला राशि के लिए कैसी रहेगी। 22 से 28 अगस्त 2022 तुला राशि के लिए कैसी रहेगी। ओवरऑल एनर्जी तुला राशि 22 से 28 अगस्त 2022। ओके, वी हैव चैरियट, लव लाइफ फॉर तुला राशि 22 से 28 अगस्त, लव एंड रिलेशनशिप। वाओ, वी हैव टू ऑफ कप्स, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाई दिस चैरियट हियर, थ्री ऑफ पेंटिकल, व्हाई दिस टू ऑफ कप्स हियर, फाइव ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स हियर, मून एंड बॉटम एनर्जी है हैंगमैन की। ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। प्लीज गिव मी मास्टर कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तुला राशि के लिए बताइए 22 से 28 अगस्त। चलिए, वी हैव टू द सी नंबर 7। ओके, तुला राशि वीक जो है मुझे ठीक ठाक सा दिख रहा है, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। ओवरऑल एनर्जी चैरियट की है और थ्री ऑफ पेंटिकल की है, जो कि मुझे कह रही है कि आप एक न्यू बिजनेस या न्यू पार्टनरशिप में जा सकते हो। ठीक है, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये किसी नए पर्सन से मिलना और उसके साथ न्यू फ्रेंडशिप होना भी हो सकता है। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, वहां से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ आपके साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है, वहाँ अकेले आप नहीं बढ़ रहे हो, ऐसी वाली सिचुएशन है। ठीक है, सो इन लोगों से बना के रखना बड़ा ज़रूरी है। ये लोग नहीं है तो आपकी जो बढ़ रहे हो वो नहीं है, ये आपकी अकेले की विक्ट्री नहीं होगी। विक्ट्री तो है बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे उसमें सब कुछ आपका नहीं है, उस ग्रोथ में आपकी चीज नहीं है, वहाँ आपको कोई लेके जा रहा है, साथ में जा रहे हो आप किसी के, सो वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें चैरिट की एनर्जी को तो वो मूवमेंट को बताता है, तो ट्रैवल हो सकता है आपका इस वीक में, आप कहीं कुछ ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को, बट एक पार्टनरशिप में आप शादी कर सकते हो, लेकिन एक किसी के साथ जुड़ रहे हो, किसी के साथ बाइंड होकर के कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में। वी हैव टू ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, जो कि लव लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है टू ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके इक्वल गिव एंड टेक रहेगा अपने पार्टनर के साथ, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो तुला राशि, काफी खूबसूरत रिलेशनशिप है आपका। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी खूबसूरत रिलेशनशिप था आपका, ठीक है, अच्छी बन रही थी, इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन अभी वो चीजें नहीं है क्योंकि यू आर इन फाइव ऑफ सोर्स एनर्जी। कुछ ईगो मैटर्स हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करने दे रहे, या इस ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आ रहा तो आप भी इसकी तरफ नहीं जा रहे, या उस पर्सन के ईगो मैटर्स हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ ईगो क्लैशेस हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन चीजें उस अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो पा रही। तो क्योंकि यहाँ पर टू द सी का कार्ड आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी तुला राशि के लिए ऐसी नहीं दिख रही है कि बहुत अच्छा है।
हालांकि 10 to 20% के लिए मैं डिनाई नहीं करूंगी, जनरल रीडिंग है टू ऑफ कप्स, यस पॉजिटिव रहोगे, तब भी ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि थोड़ा सा ईगो आ जाए आप लोगों के मन में इस वीक में, एक दिन दो दिन, क्योंकि 7 दिन की बात हम कर रहे हैं और फिर चीजें वो उतनी अच्छी नहीं रहे। एक दो दिन टू ऑफ कप्स की एनर्जी रहे, इक्वल गिव एंड टेक रहे, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रहे, प्रायोरिटी रहे, अच्छा टाइम स्पेंड हो, दोस्ती आप लोगों में ज्यादा है प्यार और लव रोमांस से, और वो चीज दिख रही है यहाँ पे, लेकिन फिर ईगो आ सकता है आपके बीच में, या फिर मुझे लग रहा है जैसे ये सब पहले का था और ईगो क्लैशेस में आप अभी हो। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, जो कि मुझे कह रहे हैं कि आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल सकते हैं इस वीक में, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, या फिर फाइनेंसेस अच्छे करने के लिए आपको काफी लोगों से लड़ना पड़ रहा है, या फिर आपको आपकी मेंटल स्टेट में लड़ना पड़ रहा है, बिकॉज मून कुछ डर बता रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको डर है कहीं आपका काम फ्लॉप नहीं हो जाए, कहीं आपके काम नहीं बने, तो आप कोई जॉब करना चाहते हो लेकिन कोई रोक रहा है, सोसाइटी रोक रही है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कोई डर है आपको अपने बिजनेस करियर फाइनेंस में, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कि आपका कोई नुकसान हुआ है। इस वीक में आपकी एनर्जीज आपके बिजनेस और आपके जॉब पे अच्छी नहीं आ रही है, लड़ाई हो सकती है, इमोशनली आप लॉस फील कर सकते हो, अलोन फील कर सकते हो, आपको लगे कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगेन यहाँ पे एक पार्टनरशिप दिख रही है थ्री ऑफ पेंटिकल की, और यहाँ पे मून की एनर्जी दिख रही है, तो आप इस पार्टनरशिप से खुश नहीं होंगे, ये पार्टनरशिप आपको कहीं लीड तो करेगी बट एट द एंड आप उस एनर्जी से खुश नहीं हो, बिकॉज आपको डर लग रहा है कि ये पार्टनरशिप परमानेंट नहीं है, या ये पार्टनरशिप आपको इसके बारे में कुछ कुछ सच पता है तुला राशि, तो आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है इसमें आगे बढ़ते हुए, और इसीलिए शायद आपका ये जो लड़ाई है, ये जो देख पा रहे हो आप फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये आपके दिमाग की स्टेट है। एक तरफ आपको लग रहा है कि सब ठीक है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एक तरफ आपको आपका ही दिमाग रोक रहा है कि नहीं कुछ कुछ तो है जो कि गलत लग रहा है सिचुएशन में, वो वाली एनर्जी है, तो वो डर आपके आपको रोक रहे हैं। वी हैव हैंडमैन हेयर, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, तो हाँ थ्री ऑफ सोर्स ही, यस आप पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं पूरा वीक रह पाओगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी की बात आपको हर्ट कर सकती है, आपकी खुद की एनर्जी थोड़ी सी लो रह सकती है, आप डिप्रेशन में रह सकते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आप में वो करेज नहीं आ रहा, आप वो इंडिपेंडेंसी फील नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि आपको हर चीज किसी से पूछ के करनी पड़ रही है, आपको आप स्टक हो किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में, कि आप चाहते हुए भी अपने मन का नहीं कर पाते, वो वाली एनर्जी। एंड गो द सी, ये भी यही कार्ड है कि सब कुछ आप अब वो वहां पे कुछ भी नहीं कर रही है, सब उसकी नाव अपने आप चल रही है, तो आपका कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ पे, और यही एनर्जी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि आप थोड़े से इस बात से डिस्टर्ब्ड हैं या रह सकते हैं तुला राशि, कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, सब कुछ डिस्टाइन हो रहा है, किसी का मर्जी आता है वो आ जाता है, किसी का मर्जी आता है वो चला जाता है, किसी की मर्जी होती है वो ग्रोथ दे देता है लाइफ में, किसी की मर्जी होती है वो मूव ऑन कर जाता है लाइफ से, तो ये वाली एनर्जी है, और कहीं ना कहीं ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि आप अगर करना भी चाहो तो आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, अगर आप चाहो भी कि मैं अपनी लाइफ को अब मैं कंट्रोल करूंगा या करूंगी, तो शायद आप ऐसी सिचुएशन ऐसे लोगों के बीच में नहीं हो तुला राशि जहां आप कुछ अकेले कर सको, आपको सपोर्ट की जरूरत है, वही आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही कि आपकी ग्रोथ भी लोगों पर डिपेंडेबल है इस वीक में एटलीस्ट, और वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप अकेले कुछ भी हाथ में ना लें, बिकॉज ये चीजें इस वीक में ऐसे ही होनी है। ऑल राइट, सो ओवरऑल ठीक ठीक सा वीक है, अच्छा भी होगा बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट राशि लेते हैं एयर साइन की, लेट्स सी कि क्वेरियंस यानी कुंभ राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि 22 से 28 अगस्त 2022। कुंभ राशि के लिए क्या सब लेके आ रही है 22 से 28 अगस्त 2022 कुंभ राशि के लिए कैसी रहेगी, क्या सब होगा एक्वेरियंस की लाइफ में इस वीक में, प्लीज गाइड कीजिए। ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियंस 7 ऑफ वॉन्ड्स,
करियर बिजनेस फाइनेंस फॉर एक्वेरियंस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स राइट नाइट ऑफ कप्स नॉट बैड लव एंड रिलेशनशिप में डेथ लवर्स ब्यूटिफुल करियर बिजनेस फाइनेंस फोर ऑफ कप्स हायरोफेंट एंड बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आपके लिए मास्टर कार्ड ले लेते हैं Why? Okay. बहुत ही टिपिकल सा मास्टर कार्ड आया Why? ओके चलिए कुंभ राशि कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए ठीक ठीक रहने वाला है ना बहुत अच्छा ना बहुत बेकार कुछ चीजें हैं जो कि आपको सोचनी है शायद क्लैरिटी नहीं है उन चीजों पे वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स तो अगेन आंख पे पट्टी है दो सोर्ड्स हाथ में है नाइट ऑफ कप्स इसको जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है मून की एनर्जी है कुछ डिसीशंस लेने हैं विथ दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर कुछ डिसीशंस लेने हैं बट लेते नहीं हो आप या ले नहीं पा रहे हो इस वीक में या पहले से ही चल रहे हैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पहले से चल रहा है बिकॉज मास्टर कार्ड में वाई का कार्ड है आप या तो कोई गलत डिसीशन ले रहे हो या कोई डिसीशन ले लेते हो बट उस पर बार बार बदल जाते हो बिकॉज कंफ्यूज्ड हो नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से उसमें आगे बढ़ा जाए क्या सही है क्या नहीं इस वीक फिर से मौका दिया जा रहा है आपको कोई डिसीशन लेने का कुंभ राशि अब इट्स अप टू यू कि आप उसमें क्या डिसीशन लेते हो आपकी आपका पूरा वीक या आपकी होल लाइफ इस डिसीशन पे बेस्ड होगी ठीक है आपकी तरफ यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी देगा अच्छा जरूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक ऑफर है कि ये करियर है नहीं किसी भी तरीके का लाइफ में कोई डिसीशन आपको लेना है वो डिसीशन बड़ा डिसीशन है कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है कि क्या खाना है क्या बनाना है ऐसा वाला डिसीजन नहीं है एक बड़ा डिसीजन है ठीक है सो सबसे अपने अपने तरीके से रेजोनेट हो सकता है या हो सकता है आपके पास कोई चॉइसेस हैं आपको किस तरफ जाना है वो आप बहुत लंबे समय से अटका रहे हो या आपको कभी लगता है मुझे ए साइड जाना है आप ए साइड में दो तीन स्टेप चलते भी हो फिर वापस आकर के बीच में खड़े हो जाते हो फिर आपको लगता है मुझे बी साइड जाना है फिर बी साइड से चल के वापस बीच में आ जाते हो ऐसा आप कर रहे हो रेगुलरली तो इस वीक की एनर्जी भी सेम है फिर से आपके दिमाग आपके पास ये चीजें आएंगी कि आपको करना क्या है ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि ट्रिगर किया जाएगा आपके माइंड को कि आपको चाहते क्या हो आप क्या सही है आपके लिए ठीक है और ट्रिगर कब होगी जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी वो ऑप्शन आएगा वो चॉइस आपके वापस से आएगी सामने तो ये दिख रहा है लव लाइफ में अगर मैं देखूं तो किसी चेंज को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो प्यार में कुछ चेंज आ रहा है कोई व्यक्ति आ रहा है नया व्यक्ति आ रहा है आपकी लाइफ में कुछ पुरानी चीजें आपकी एंड हो गई हैं या कोई पास्ट रिलेशनशिप दोबारा से आपकी तरफ आ रहा है लेकिन आप उसे रेजिस्ट कर रहे हो आप उसे वो जैसा है वैसा अपना नहीं रहे हो लवर्स की एनर्जी अगेन चॉइसेस को बताती है तो मे बी आपको आपके लव लाइफ में कोई चॉइस मिल रही है कुंभ राशि की एक रिलेशनशिप में थे आप पास्ट में लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया लेकिन आप अभी भी उस पास्ट की एनर्जी में ही रहना चाहते हो और उससे निकलना नहीं चाहते तो एक नए डायरेक्शन में बढ़ने से आप खुद को रोक लेते हो तो वो मत करो आप इस चेंज को ना रजिस्ट कर रहे हो जबकि ये चेंज आपको सन की तरफ लेके जाएगा अंधेरे में कब तक रहोगे आप कब तक इस डेथ एनर्जी में रहोगे लेकिन आप इसी में रहना चाह रहे हो जबकि आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ चॉइसेस आ रही हैं आपके पुराने वर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपको कोई नई चॉइस दी जा रही है जो जिस भी तरीके की आपकी हिस्ट्री है लव लाइफ में बट आप रेजिस्ट कर रहे हो आप उसे वैसे ले नहीं रहे हो जैसे वो आ रहा है और लव लाइफ करियर बिजनेस फाइनेंस में यू आर अ क्वीन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
बहुत अच्छा कर रहे हो, काम कर रहे हो, पैशनेट हो अपने काम को लेके, आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, टीचर हो सकते हो आप, डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, लेकिन जितना आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है ये कम है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो आपको उसका फल नहीं मिल रहा। तो आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है अपने करियर में, आप किसी किसी बड़े से, किसी गुरु से गाइडेंस लीजिए अपने करियर के लिए। ऑफर आपको मिलेगा कुंभ राशि, आपको ऑफर मिलेगा आपकी लव लाइफ में भी, आपको ऑफर मिलेगा आपके वर्क प्लेस पे भी विद दिस फोर ऑफ कप्स, बट आप डिनायल मोड में हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपके लिए अच्छा क्या है और आपके लिए बुरा क्या है, आप डिसीशन नहीं ले पा रहे हो यहाँ पे। और जनरल रीडिंग है इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि करियर में भी आएगा और लव लाइफ में भी आएगा, बट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए वो लव की ऑफर है, चॉइसेस है, किसी के लिए वो करियर ऑफर है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स भी रिजेक्शन को बता रहा है, तो आप रिजेक्ट कर रहे हो उसे, पता नहीं क्यों। और इसीलिए क्यों यहाँ पे वाई आ रहा है कि आप जो भी डिसीशन ले रहे हो क्यों ले रहे हो आप, आपको ये पता करने की जरूरत है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो अपने साथ, आप क्यों कंफ्यूज्ड हो। सो वाई, ये पूरा वीक आपके दिमाग में ये वाई, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, या क्यों कर रही हूँ मैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये इसमें अटके रहोगे इस वीक में। और रीजन इज कि कुछ हो नहीं रहा है, आप जो कर रहे हो, जिस चॉइस को आप चूज कर रहे हो, वो सामने से वही रिटर्न बैक आ रहा है, आप खुले हाथों से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको लग रहा है बस मैं जैसा चाहता हूँ या मैं जैसे चाहती हूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा, तो वो तो कभी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होता। सो कुंभ राशि फॉर यू, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक या तो किसी डिवाइन बुक में आपके क्यों के आंसर मिलेंगे आपको इस वीक में, या आपको अपने आप से बात करके अपने क्यों के जवाब लेने चाहिए, या डायरी पेन लेके बैठो और लिखो कि आपने जो डिसीशन अपनी लाइफ में लिए वो क्यों लिए, और शायद आप उस क्यों वाले फेज से कि गलत और सही के फेज में खुद को देख पाओगे कि आप ठीक हो, बिकॉज आप बहुत क्रिटिसाइजिंग मोड पे हो, या तो खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो या अपनी किस्मत को क्रिटिसाइज कर रहे हो इस वीक में, सो उससे निकल जाओगे। सो इसीलिए ये है कि क्यों वाली एनर्जी से निकलने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है। कहीं से शायद आपको निकलना है, कुछ नई चॉइसेस आपको लेनी है इस वीक में, डिसीशंस आपको लेने पड़ सकते हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और प्रैक्टिकल होके डिसीशन लीजिएगा, इमोशनल होके नहीं, ये भी यहाँ पे है, अदरवाइज आप यहाँ अटके रह जाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। अगर मैं बात करूँ कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट की, तो 2 नंबर, 31 या 4 नंबर, 6 नंबर, 10 या 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 12 और 3 भी दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, 31 आपकी एज हो सकती है। होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो कुंभ राशि। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।